हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आवाज सुन के तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कितना ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही कम सामान में बन जाती है। सिर्फ 1 कप सूजी और कुछ उबले आलू और तैयार है एकदम कुरकुरा और चटपटा स्नैक जो आपको और आपके मेहमानों को दीवाना बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे घर में मेहमान आने पर दोस्तों आप क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ दोस्तों मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब पानी। ठीक है दोस्तों, आप ये नाप ना किसी कटोरी से भी ले सकते हैं, लेकिन सारे नाप आपको उसी कटोरी से लेना होगा। अब मैं उसमें डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, और उसी से मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच के करीब अजवाइन। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस नाश्ते में, ज़रूर डालिएगा, साथ में पचने में भी ये मदद करती है। उसी के साथ 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तेल, और बस उबाल आने का हम वेट करेंगे। और यहाँ दोस्तों जैसे ही इस तरह से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। तो दोस्तों मेजरमेंट याद रखिएगा, 1.5 कप मैंने पानी लिया हुआ था उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब सूजी। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखिएगा और बस इस तरह से मिक्स करते जाना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें गांठे बनना स्टार्ट हो रही है तो आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है और उसके बाद ना बढ़िया से उसको मिक्स कर लेना है, और फिर से आपको गैस की फ्लेम ऑन करके इसको इस तरह से गाढ़ा कर लेना है। तो मात्र 2 मिनट लगते हैं इस तरह के डो बनने में। ठीक है, अब हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो इसी कढ़ाई में ही रहने दें या फिर अलग बर्तन में रख सकते हैं अगर आपको जल्दी ठंडा करना हो तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक ना दोस्तों हमारी सूजी भी बढ़िया से ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई ली हुई है, उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच तेल, और जैसे ही तेल बढ़िया से गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया आधी चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल होने लगा तो उसमें मैंने डाल दी 1/4 चम्मच हींग, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया यहाँ पे खड़ा धनिया, उसी के साथ 2 हरे मिर्च। ठीक है दोस्तों, तो खड़ा धनिया अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा, पूरी तरह से ऑप्शनल है। और बस एक बार मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 उबले आलू। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसको मैश कर देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट स्पैचुला से भी कर सकते हैं, और डोंट वरी दोस्तों, मेरे हाथ बढ़िया से धुले हुए हैं, उसके बाद ही मैं इसे मैश कर रही हूँ। ठीक है, और बस अब इस तरह से अगर आपके पास मैशर हो तो मैशर से भी इस तरह से आप दबा सकते हैं ताकि जो आलू के पीस है वो बढ़िया से मैश हो जाए, या फिर आप जो चम्मच यूज़ कर रहे हैं ना इसको मिक्स करने के लिए उससे भी इसे मैश कर सकते हैं। इजीली मैश हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से सभी आलू को मैंने मैश कर लिया है। चलिए तीखे के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया यहाँ पे धनिया पाउडर, और उसी के साथ स्वाद अनुसार नमक। तो दोस्तों चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। खट्टे के लिए मैंने यहाँ पे डाला है अमचूर पाउडर 1 चम्मच, और उसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया, और बस बढ़िया से हम अब मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें ना हमें कुछ भी एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ये जो नाश्ता है ना बहुत ही चटपटा और बहुत ही टैंगी लगता है। और यहाँ पे ना मैं हल्दी पाउडर भूल रही थी, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ताकि कलर बढ़िया से आए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें, लेकिन इससे ना देखने में भी थोड़ा सा आलू की जो स्टफिंग होती है ना वो बढ़िया से लगती है। आप देख सकते हैं कैसे ये येलोइश हो गई है। और बस 2 मिनट इस तरह से हम इसको भुनेंगे, उसके बाद ना गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं इसी तरह से इसको कढ़ाई में रहने देती हूँ, ठंडा होने के बाद मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। दूसरी तरफ हम ये सूजी को भी देख लेते हैं, ये देखिए इतनी ठंडी हो गई है कि मैं इसे टच कर पा रही हूँ। पूरा ठंडा हमें नहीं करना है, तो जब तक हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे ना तब तक हमारी सूजी भी बढ़िया से इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम उसे इस तरह से टच कर पाएँ। और बस अब हमें ना बढ़िया से इसको इस तरह से मैश कर लेना है हाथों से, ताकि इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अगर हाथों में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा तेल भी आप ले सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो आलू की स्टफिंग थी ना उसको मैंने इस तरह से ठंडा करके बॉल्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लिया और इस तरह से गोल उसे बना लिया है। तो हमने उसे कम तेल में बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरे हाथों पे ऑयल नहीं लगा है। ठीक है, तो इस तरह से बॉल हमने बना के तैयार कर ली हैं, चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमने डो बनाया था ना उसका छोटा सा पोर्शन हम हाथों में लेंगे इस तरह से घेरी जैसे,
और उसके बाद हल्के हाथों से हमें इस तरह से उसको दबाते हुए थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और जैसे ही हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, उसके बाद जो हमने बॉल्स बनाई थी ना आलू की, उसको हम बीच में रख देंगे। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको घुमाते जाना है और ऊपर साइड खींचते जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा ज़ोर से इसको खींच देंगे ना तो क्या होगा कि सूजी की स्टफिंग है ना वहीं से फट जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, बहुत ईजी है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ही यूनिक है। तो मैदे की चीज़ अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो एक बार ये नाश्ता ज़रूर बना के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं, बातें करते करते मैंने इस तरह से उसकी बॉल बना के तैयार कर ली है, कहीं से भी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं है। और बस आप चाहें तो ऐसे भी इसे बना सकते हैं या फिर हल्का सा उसे चपटा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैंने इस तरह से उसे पहले स्प्रेड कर लिया, उसके बाद बीच में आलू की स्टफिंग रख दी। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हल्के हाथों से हमें सूजी को ऊपर लाते जाना है स्टफिंग के ऊपर, और बस लास्ट में हमें इस तरह से उसको घुमा देना है। और ये देखिए कितना आसान है ना, ये बन गई। आप चाहें तो ऐसे भी उसे बना सकते हैं या फिर बीच में से इस तरह से अंगूठे से उसको चपटा कर सकते हैं, ठीक है। कितना आसान है ना। यहाँ दूसरी तरफ दोस्तों तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे तो क्या होगा कि जो सूजी है ना वो बिखरना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए हमें इसको तलते टाइम ना दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला कि दोस्तों ना ही तेल हमारा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और दूसरा ना ही ज़्यादा ठंडा। इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही हम इसमें तेल में डालें आप देख सकते हैं इस तरह से झाग उठना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा कि जो सूजी है ना वो तेल सोख कर लेगी अपने अंदर, और उसके बाद ना जो हमारा नाश्ता है वो ऑयली हो जाएगा। और दूसरा अगर तेल ज़्यादा ही गर्म होगा तो क्या होगा दोस्तों, बाहर से तो जो सूजी का कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो सही से नहीं पक पाएगी, यानी कि क्रिस्पी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इसको तलना है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही हमारा जो नाश्ता है एक साइड से क्रिस्पी हो जाएगा तो हमें उसको पलट देना है, यानी कि एक साइड से जैसे ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा उसके बाद हम इस तरह से उसको पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी बढ़िया से उसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। दोनों साइड हमें बढ़िया से उसको क्रिस्पी कर लेना है, तभी जो लेयर होती है ना सूजी की वो इस तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं बढ़िया से कलर आ गया है, तो बस इस टाइम पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 से 3 मिनट ही आपको तलने में लगते हैं। और ये देखिए बढ़िया से ही क्रिस्पी हो गया है, तो चलिए इन सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये आसान और टेस्टी सी रेसिपी पहुँच सके। और यहाँ दोस्तों मैं दूसरा बैच डालने से पहले एक बात आपसे बताना चाहती हूँ कि दूसरा बैच जब आप डालें ना इसको तलने के लिए तो उस टाइम पे गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा, क्योंकि तेल पहले से ही गर्म है। और ये लीजिए हमारा नाश्ता एकदम बनके तैयार है, आप भी खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।